नमस्ते फ्रेंड्स, सुधा कुकिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ पनीर स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रोल बनाने के लिए कैबेज चाहिए, प्याज, मैदा, पनीर, ग्रीन चिल्ली सॉस, सोया सॉस, रेड चिल्ली सॉस, रिफाइंड ऑयल, टमाटो सॉस, सेजवान चटनी, शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, पीला शिमला मिर्च, गाजर, नमक, हल्दी, काश्मीरी मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च और ये लहसुन। पहले हम स्प्रिंग रोल का शीट बनाने के लिए मैदा लेंगे। इसमें थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल डालेंगे, थोड़ी सी नमक डालेंगे और इसका हम धीरे धीरे करके डो तैयार कर लेंगे। पानी को थोड़ा थोड़ा डालना है। डो हमारा तैयार हो चुका है तो इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे सेट होने के लिए। गैस ऑन करके अब इसको हम कढ़ाई रख देते हैं। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें हमने तेल डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें हमने मिर्ची को डाल दिया। लहसुन भी इसमें डालेंगे और इसे एक दो मिनट के लिए भूनेंगे। और साथ में प्याज को भी ऐड कर लेते हैं और इसे भी एक दो मिनट तक चलाएंगे और इसे भी एक दो मिनट तक भूनेंगे। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि हम स्प्रिंग रोल का स्टफिंग बना रहे हैं तो सारे सब्जियों को कच्चा ही रखना है, ज़्यादा गलाना नहीं है। देखिए प्याज हमारा हल्का गल चुका है तो इसमें हम गाजर डाल देंगे और गाजर को पहले डालेंगे क्योंकि गाजर थोड़ा कड़ा रहता है। तो इसे भी एक दो मिनट तक भून लेंगे। दो मिनट हो चुका है तो इसमें हम लाल शिमला मिर्च ऐड कर देते हैं। देखिए सब्जी हमारी कितनी अच्छी लग रही हैं। और इसे एक दो मिनट और भूंजेंगे और साथ में हरी शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च सबको मिक्स कर लेते हैं और सब सब्जियों को हम मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिलाएंगे कि सब्जियां हमारी भून जाए। देखिए हमारी सब्जियां भून चुकी हैं। लास्ट में पत्ता गोभी को ऐड करेंगे और इसे भी एक दो मिनट तक मिलाएंगे। दो मिनट हमारा हो चुका है और सब्जियां भी हमारी पक चुकी हैं।
तब इसमें हम ऐड करेंगे काश्मीरी मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम टमाटो सॉस एक चम्मच, ग्रीन चिल्ली सॉस एक चम्मच, रेड चिल्ली सॉस एक चम्मच, सोया सॉस एक चम्मच, सेजवान चटनी एक चम्मच, और ये सारे को मिक्स कर लेंगे। इसे एक दो मिनट तक भूनेंगे और चलाएंगे। सब्जियां देखिए ये हमारा पक चुका है, तो इसमें हम ऐड कर लेते हैं लास्ट में नमक स्वाद अनुसार। और लास्ट में गरम मसाला भी ऐड कर लिए और साथ में पनीर भी ऐड कर लिए और इसे भी मिक्स कर दे रहे हैं। पनीर हमारा मिक्स हो चुका है और सारी वेजिटेबल्स भी मिल चुका है। स्प्रिंग रोल का स्टफिंग देखिए कितना अच्छा तैयार हो चुका है। तो इसे थोड़ा देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और गैस को ऑफ कर देते हैं, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। डो भी देखिए हमारा तैयार हो गया है, 10 मिनट हो चुका है, तो एक दो मिनट और इसे मिला लेंगे और एक चकला लेंगे। गोली को छोटा छोटा लोइया बना लेंगे, मैदा का छोटी छोटी गोली बना लेंगे। इसी तरह करके एक एक करके सारी गोलियां को हम बना लेंगे। अब इसे पूरी आकार में बेलना है। इसी तरह हम छोटा छोटा करके बेलेंगे। पहले देखिए फ्रेंड्स, इसी आकार में फिर एक गोली को हम बेल लेंगे। देखिए हमारी पूरी तैयार हो चुकी है, तो उस पर रिफाइन ऑयल थोड़ा डाल देंगे और थोड़ी सी उसके ऊपर मैदा को भी छिड़क देंगे और पूरी को एक के ऊपर रख देंगे। अब स्प्रिंग रोल का रैपर बनाएंगे और इसको जितना आप पतला बेल सके उतना पतला बेलिए। इसको बहुत पतला बेलना है और बड़ी आकार में बेलना है। देखिए हमारी रैपर कितनी अच्छा से बेल चुके हैं। तो अब गैस ऑन करके उसके ऊपर फ्राई पैन को रखेंगे। फ्राई पैन को गर्म होने देंगे 2 मिनट के लिए। फ्राई पैन हमारा गर्म हो चुका है, तो ये सीट को फ्राई पैन के ऊपर डाल देंगे। अच्छी तरह से उसको डालेंगे। और फिर इसे पलट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा रैपर तैयार हो चुका है, तो इसको हम दोनों बीच से सीट को बीच से अलग कर देते हैं। देखिए कितनी आसानी से हमारी सीट अलग हो रही है। इसी तरह करके आपको सारे सीट को तैयार करना है। देखिए स्प्रिंग रोल का सीट हमारा तैयार हो चुका है, तो इस तरह एक बार और आपको दिखा देते हैं। इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद हमारी आसानी से रैपर सीख जाता है। देखिए कितनी आसानी से, और इसे अलग अलग ये अलग अलग भी अच्छा से हो जाता है। गैस को ऑफ कर देते हैं और ये देखिए लेयर कितना अच्छा से निकल रहा है। इसी तरह करके रैपर को अलग अलग करके निकाल लेंगे। इसी तरह करके सारा सीट को हम तैयार कर लेते हैं। अब इस रैपर पर
जो स्टफिंग हमने तैयार किया था इस पर डालेंगे अच्छी तरह से। इसे फोल्ड करने के लिए हमें मैदा का गोंद बनाना है। मैदा में थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इस रैपर को चिपकाना है इसलिए इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा, और ये गाढ़ा ही रहेगा। देखिए मैदा का गोंद तैयार कर लिए हैं, तो अब साइड साइड से सारे गोंद को लगा लेंगे इस रैपर के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, अब इसे मोड़ देंगे एक साइड से, इसी तरह दूसरी साइड से भी मोड़ेंगे, और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऐसे करके ये हमारा स्प्रिंग रोल तैयार हो गया लास्ट। इसी तरह सारे स्प्रिंग रोल को हमने तैयार कर लिया है, और हमारे सारे स्प्रिंग रोल तैयार हो चुका है। तो अब गैस ऑन करके इस पर एक कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई हमारा गर्म हो जाएगा। कढ़ाई देखिए हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें तेल डालेंगे। तेल को 2-3 मिनट तक गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो एक एक करके स्प्रिंग रोल को इसमें डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, स्प्रिंग रोल कितना अच्छा लग रहा है, और आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे एक बार बनाइएगा तो होटल भी भूल जाएंगे। देखिए स्प्रिंग रोल हमारा कितना अच्छा तैयार हो चुका है, और क्रिस्पी भी बना है। इसे आप एक बार ज़रूर घर में ट्राई कीजिए। इस तरह करके इसे भी निकाल लेते हैं, और जो बचा हुआ स्प्रिंग रोल है उसे भी हम तेल में डाल देंगे। स्प्रिंग रोल देखिए हमारा पक रहा है, इसको फ्राई कर रहे हैं। स्प्रिंग रोल ये भी हमारा तैयार हो गया, तो इसे भी प्लेट में हम निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड, स्प्रिंग रोल कितना अच्छा लग रहा है। अब लास्ट में इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये बच्चे बड़े सभी को पसंद है, और आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए स्प्रिंग रोल हमारा तैयार है।